जी सुनते हो? हाँ। आज दिवाली है, बच्चों के भी तो अरमान है। उसके पापा मिठाई लेके आएंगे, पटाखे लेके आएंगे, नए कपड़े लेके आएंगे। किसी से उधार ही ले आओ ताकि कम से कम दिवाली तो अच्छी मन जाए। कम से कम दिवाली तो बच्चों की खातिर मना लो। मैं जानता हूँ आज दिवाली कुछ ना कुछ देखता हूँ। तू कह रहा था ना निकल गया। चलो ठीक है, तुम तो अपने कान देखो उधर। बाबूजी नमस्कार। बोलिए क्या होगा बाबूजी? काम छो? काम तो नहीं है, काम तो यहाँ पहले से बहुत। आप काम नहीं है अभी, फिर कभी आइए। अब काम जो होगा मिलेंगे, अभी काम है ही नहीं है। कोई काम ही नहीं है बाबू। कोई भी काम, कोई भी काम होता तो मैं बोलता भाई आप आ जाओ काम पर। जब कोई काम ही नहीं है, लोग हमारे खाली बैठे आते तो लोग। अभी आप जाइए, आप बिल्कुल कष्ट ना करें, आप जाओ। यहाँ कोई काम ही नहीं है अभी। चलो जाइए, चलो तुम जल्दी जल्दी चलो चलो ठीक है। बाबूजी, अरे हाँ क्या है बाबूजी? कोई काम मिलेगा? काम ना, यहाँ हम यही ठहले बैठे। मैं तुम्हारी दुकान की सफाई कर दूंगा बाबू। अरे तू सारी यही सफा कर देगा? बाबूजी सोच लो एक बार काम की। काम ना बाबूजी, एक बार और सोच लो। अरे एक बार की समझ में आती तेरे? मैं आपकी गाड़ी में कपड़ा मार दूंगा। बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, यहाँ ना काम आ। भाग जा। बाबूजी कोई काम मिलेगा? भाई काम नहीं मिलेगा, अब तो वैसे भी दिवाली है, उसके हिसाब से काम बढ़ता है। मैं कुछ भी काम कर लूंगा बाबूजी। नहीं है, काम कहाँ है, हम इठाले बैठे हैं, हमारे पास कितने ग्राहक आ रहे हैं। मैं आपकी दुकान में पहुंचा भी मान लूंगा, आपकी सीट से भी सफा कर लूँ। नहीं काम होता था वो अलग बात है, काम नहीं है। मैं खुद इठाले बैठे दिवाली के टाइम पे, हम क्या करें बताओ। काम कैसा? काम होता तो आपको ले जाता। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ कुछ बताओ बीबी। मुझे मेरी माँ याद आ रही। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये तो बहुत बुरा हुआ, उनको क्या हुआ? मेरी माँ कुछ साल पहले बहुत बीमार थी, उसी वजह से उनकी मौत हो गई। आज मेरी माँ की मुझे बहुत याद आ रही है। हर दिवाली पे हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आती थी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाती थी और बहुत सारे गिफ्ट लेके आती थी। आज हमारे पास सब कुछ है पर हमारी माँ नहीं है। रो मत बहन, हम दोनों ही दुखी हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, न खाने को खाना, न पहनने को कपड़े, न त्योहार बनाने को मिठाइयाँ। मेरे पास तो सिर्फ माँ है। चलो भैया अंदर, मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दूँ। भैया बैठो। नहीं नहीं बहन, मैं यही ठीक हूँ। आपके पापा ने अगर देख लिया तो वो कुछ गलत समझ के आपको डांटेंगे। नहीं मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बैठो भैया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ।
आपके लिए खाना ला। अरे नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं। लो भैया खाना खाओ। तुमने खाया? नहीं मुझे नहीं खाना। बैठो। देख बहन, हमारी माँ हमसे कभी दूर नहीं जाती, वो हमारे पास ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। वो मरने के बाद भी हमारा ख्याल रखती है। जो तुम भूखी रहोगी, जो तुम खाना नहीं खाओगे, उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ की आत्मा को दुख पहुंचे? नहीं भैया, मैं खाना खाऊंगी, मैं उनकी आत्मा को नहीं दुखाऊंगी। तो खाना खाओ। पहले तुम खाना खाओ। पापा? अंकल वो मैं मतलब मैं वो क्या मतलब वो मत, अंकल डर मत बेटा, तूने तो वो काम किया जो कई सालों से कोई नहीं कर पा रहा। तू मेरी बेटी की मुस्कान वापस ले आया। जीते रहो बेटा। घर कहाँ तुम्हारा? वो अंकल जी मंदिर के पास। अच्छा, वैसे घर पे आते रहना। जी अंकल जी। और तू मुस्कुराते रहना और खाना टाइम पे खाना। ठीक है भैया। अच्छा अंकल। अच्छा बेटा। पता नहीं कहाँ रह गई है, शाम भी होने को आ रही है, पता नहीं कुछ जुगाड़ हो पाया नहीं हो पाया है। बेटा कहाँ से दूँ तुझे खाने को? क्या बोलूँ इसे कि घर में कुछ खाने को भी नहीं है, शायद ये कुछ लेके आए। क्या हुआ ए जी, क्या हुआ? अरे कैसे चुप हो, क्या हुआ? कुछ हो पाया नहीं हो पाया? कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्या हो गया? बहुत जग गया, कहीं काम नहीं मिला। हमारी किस्मत इतनी खराब है भगवान, किसी को गरीब ना बनाए। अब पता मैं क्या करूं, हर जगह गया कहीं काम नहीं मिला, सबने मना कर दिया। अंकल आप यहाँ? ए जी ये कौन है? बेटा तेरे पति ने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। बेटा दिवाली का इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तुम्हारे पति ने, जो कि मेरे लिए बहुत अनमोल है। बेटा इसने मेरी बेटी की मुस्कान वापस ला दी है। दिवाली का गिफ्ट मेरे लिए इससे बढ़िया कोई और हो ही नहीं सकता। बेटा तुमने इसको अपनी बहन माना है और इसने तुझे अपना भाई माना है, तो तू वो हमारा बेटा। आज से तुम इस घर में नहीं, मेरे घर में साथ रहोगे। चलो मेरे साथ चलो। ओम जय श्री गंगणपतये नमः। ओम जय लक्ष्मी नारायण भाई नमः। ओम ओम जय गणेश देवा, माता जाती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोए मुझे की सवार। अंधन को आंख देके कोड़ियन को काया, बालन को पुत्र देके निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता मान। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी मैया जी की जय। बोलो भोलेनाथ भंडारी जी की जय। हैप्पी
दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली।